बेटा हम लोग सबक तशकील पाकिस्तान से एक मुख्तसर सा तारुफ जो है वो आपका करवाया है। अभी आगे हम देखेंगे कि सबक का खुलासा किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए बेटा मैंने एक तरीके इस तरह से किया है कि मैंने हर सफ़े के कुछ पॉइंट्स बना दिए, कुछ नुकात बना दिए, इससे आपको खुलासा याद करने में आसानी होगी। अगर हम पहले सफ़े पर देखें तो उसमें सबसे पहले औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद, यानी 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुसलमानों के सियासी तनाज़ुल का आगाज़ हो गया, जो कि 1803 से 1857 में मुकम्मल हो गया। और बरसग़ीर जो है वो हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। मज़हबी अहिया के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुलअज़ीज़ और सैयद अहमद बरेलवी की जो कोशिशें हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं, जिसमें सैयद अहमद बरेलवी ने 1816 से 1831 तक 15 साल मुहिम में बहुत से इलाके फतह किए, सिखों के खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया, और जहाँ पर जो इलाके फतह करते वहाँ पर शरीयत को नाफिज करते। सिखों के खिलाफ मुहिम में 1831 में अपनों की गद्दारी की बिना पर बालाकोट के मकाम पर शहीद हो गए। फ़राइज़ी तहरीक के बारे में आपने पढ़ा कि बिहार से इसका आगाज हुआ था, और फ़राइज़ी तहरीक का आगाज हाजी शरीयतुल्ला ने किया था। उसके बाद आपने 1857 की जंग आज़ादी और अंग्रेज़ों का मुसलमानों पर आताब के बारे में पढ़ा। बेटा एक चीज़ याद रखें कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये आप थोड़ा कुछ ना कुछ आप इनसे वाकिफ़ हो चुके हैं। आप हर नुक्ते के बारे में, हर पॉइंट के बारे में अगर आप 3-4 लाइनें लिखते चले जाएंगे तो वो आपके एक खुलासे की शक्ल जो है, बहुत ज़्यादा तफसील में आपने नहीं जाना, ये उस पूरे सफ़े के जो पहला जो इस सबक का सफ़ा है उसके बुनियादी नुकात हैं। इनको आप जिस तरह से कि पहले बताया कि 2-2, 3-3 लाइनों में आप इनको जुमलों में इनकी वजाहत करते चले जाएं। इसके बाद जो शख्सियत आती है वो सर सैयद अहमद ख़ान और उनकी खिदमात के बारे में थी कि उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज का क़याम अमल में लाया 1877 में, और उन्होंने तालीमी तसनीफ़ तहरीर की जो जिनका मकसद अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान जो फ़र्क था उसको कम करना, और मुसलमानों के दरमियान मज़हब से जो उसके बारे में जो उनकी तसव्वुरात हैं उनको सही तौर पर वाज़े करना, और उस सिलसिले में उन्होंने तफसीर कुरान और जो अगर हम मज़हबी तसनीफ़ के हवाले से देखें तो उसमें तबीनुल कलाम और तफसीर कुरान आदाबुत्ताम वगैरह शामिल हैं, और उसके अलावा तालीमी तौर पर मुसलमानों को मजबूत करने के लिए उन्होंने कोशिशें की। इस सिलसिले में अलीगढ़ कॉलेज का क़याम अमल में आया, और 1874 में दौरे पंजाब किया उन्होंने, जिसके ऊपर पंजाब के अहले पंजाब जो है उन्होंने उनकी आवाज़ पर लब्बैक का, जिसके नतीजे में अंजुमन हमायत इस्लाम का क़याम अमल में आया। इसके बाद 1886 में आल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई। उर्दू हिंदी तनाज़ा सन 1867 ने सर सैयद अहमद ख़ान पर इस बात को वाज़ह कर दिया कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं है, या मुसलमानों के मुसलमान कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे। उसके बाद एओएम की सरबराही में कांग्रेस का क़याम और सर सैयद अहमद ख़ान का किरदार कि उन्होंने मुसलमानों को उसमें शामिल होने से मना किया, और उनकी वफ़ात के बाद रुफ़काए सर सैयद, यहाँ पर ये टाइपिंग की एक गलती है बेटा, रुफ़काए सर सैयद है यहाँ पर, मोहसिन उल मुल्क विकार उल मुल्क, इनके बारे में आप एक एक लाइन में अगर लिखते चले जाएंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद यहाँ पर है, शिबली नोमानी, ज़काउल्लाह अमीर अली, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के मुसन्निफ़ शिब हाली जो हैं वो मुसद्दस हाली के, और डिप्टी नज़ीर अहमद बहुत सारे जो समाजी हमारे नावल थे और पहले नावल निगार, इसी तरह से शिबली नुमानी, बहुत सारे तारीखी तसनीफ़ के मुसन्निफ़, ज़काउल्लाह। और उसके बाद आपका जो पैराग्राफ यहाँ तक लिखने के बाद नेक्स्ट सफ़े पर है, तहरीके अलीगढ़ के रद्दे अमल के तौर पर कौन कौन सी तहरीकें, यानी जिन्होंने मुसलमानों में एक बेदारी की लहर दौड़ गई, उसके नतीजे में नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद, ये दारुल उलूम आइन से दारुल उलूम देवबंद का जो क़याम है वो अमल में आया, और उसके नतीजे में जो मुसलमानों के अंदर एक सोच जो परवान चल रही थी
दूसरों को गलत और अपने आप को सही समझने की, उसको सही करने के लिए अलामा इकबाल की शख्सियत और उनके जो फ़लसफे हैं वो हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे जो इस सबक में बयान किए गए हैं वो तीन फ़लसफे हैं, फ़लसफा खुदी है, तसव्वुर मर्द मोमिन है और फ़लसफा तहरीक है। इसके बाद मुस्लिम लीग का क़याम, तकसीम बंगाल को दो तीन जुमलों में उसकी वजाहत करें कि क्यों की गई और उसके नतज क्या निकले, किस लिए मनसूख हुई। फिर मिसाक लखनऊ, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कायद अजम की कोशिशों से तय पाने वाला माहिदा। फिर तहरीक खिलाफत, जिसका जिसकी बुनियाद और जिसके लिए तहरीक अदम तामन गांधी और अली बरदरान, जिसमें मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर दोनों भाइयों ने इसकी बुनियाद रखी। शुद्धि और संगठन की बदनामी ज़माना, मुस्लिम कुश जो तहरीकें थी उनका जिक्र करें। फिर साइमन कमीशन है, नेहरू रिपोर्ट, उसके जवाब में कायद अजम के 14 नुकात, फिर गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की वजारतें और उसके उस दौरान में मुसलमानों के साथ उनका जो रवैया था, मुसलमानों की जो शख्सियत को ख़त्म करने की कोशिश की गई उसके बारे में। फिर 23 मार्च 1940 में करारदादे लाहौर, जो दर हकीकत करारदादे लाहौर के नाम से थी लेकिन हिंदुओं ने मजाक उड़ाया और उसे करारदादे पाकिस्तान का, और बिलाखिर उनके मुंह से निकली हुई ये बात सच साबित हुई और ये करारदादे लाहौर जो है वो करारदादे पाकिस्तान ही बन गई। आम इंतखाबात 1945-46 के, जिसमें मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की। जी बेटा ये, और उसके बाद आपका, इसके बाद आपके कुछ पॉइंट्स आने चाहिए थे, जिसमें पाकिस्तान का क़याम है, फिर मुसलमानों की कुर्बानियां हैं, और उसके बाद आपने लिखना है इसमें पाकिस्तान का मकसद, क्या मकसद था जिसके लिए इस पाकिस्तान को कायम किया गया। तो बेटा ये आपके सबक के खुलासे के लिए कुछ नुकात जो हैं वो मैंने आपको दिए हैं, इनको आपने अपने लफ्ज़ों में तहरीर कर देना है। और इसके आखिर से मैंने आपको बताया कि कुछ जो हैं वो नहीं लिखे हुए, वो आपके पास आपकी किताब मौजूद है, इस जो हमारी ये लेक्चर है इसके अंदर भी सफ़ात मैंने शामिल किए हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको आप उसको गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं किताब, कि अगर असूल में कोई मुश्किल दरपेश हो तो। हाँ ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने कुछ ये तस्वीर है मियाँ मोहम्मद बशीर की, कायद अजम के साथ हैं, और घर का काम आज का ये है कि आपने सबक तश्कील पाकिस्तान का खुलासा तहरीर करना है और अपने अपने मुतल्लिका जो आपकी क्लास के ग्रुप्स हैं उनमें आपने शेयर कर देना है। बेटा अल्लाह हाफिज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। अपने लिए भी दुआ किया करें, साथ साथ मुझे भी अपनी दुआ में शामिल करें। अल्लाह हाफिज़।